और राघवेंद्र जी, आप लोगों को थोड़ी हैरानी हो रही है कि कहाँ खूब अयोध्या से लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव, अब गोरखपुर जा रहे हैं। देखिए, गोरखपुर से लड़ें या अयोध्या से लड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बावजूद विपक्ष बहुत सारे सवाल तो उठा रहा है ना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि उन्हें पहले से ही घर भेज दिया गया, अब वहीं रहें, बहुत बहुत अच्छा काम किया गया है बीजेपी की तरफ से। थोड़ा सा देखिए अपना अपना शंकर, पत्ता खोलिए सर। गोरखपुर से क्यों उनको टिकट दिया गया? क्या इसके पीछे मजबूरी क्या है बीजेपी की, या फिर बहुत बड़ी जरूरत इस वक्त है उत्तर प्रदेश के चुनाव चुनाव में? सीएम योगी आदित्यनाथ के बिना काम नहीं चलेगा। गौरी शंकर जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अखिलेश यादव को कुछ ना कहना ही है। अगर वहां से नहीं, अगर अयोध्या से लड़ रहे होते तो वो कहते भाई अपना घर छोड़ दिया, या मथुरा से लड़ रहे होते तो अन्य कोई बात कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीका होता है, हमारे यहाँ प्रत्याशी जो होती है वो गौड़ होता है, संगठन चुनाव लड़ता है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चर्चा होती है, सभी लोग उसमें तय होते हैं। सभी लोगों ने तय किया कि योगी जी को कहाँ से लड़ना है, केशव प्रसाद मौर्य को कहाँ से लड़ना है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। उन्हें लगा सुविधा, योगी जी को जो सुविधा जहां से लड़ने को होगी वह बता दिया गया। इसमें जो है कोई इतनी मगजमारी की जरूरत नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी कहा था कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे या मथुरा से लड़ेंगे, या प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, या किसी प्रवक्ता की तरफ से बयान आया था। यही नहीं सर, अधिकृत कई लोग कई लोग होते ये हैं। कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मसले पर क्या बीजेपी की रणनीति बदल रही है, कुछ इस तरह का संकेत समझें क्या? नहीं, देखिए भारतीय अयोध्या जनता अयोध्या से लड़े पार्टी, एक सांकेतिक कदम होता ना, बड़ा सांकेतिक कदम होता है, जैसा कि विश्वेंद्र ने कहा कि बहुत रोमांचक हो जाता उत्तर प्रदेश का चुनाव, देखने मजा आता। थोड़ा मजा कम कर दिया गया क्या बीजेपी की तरफ से? गौरी शंकर जी, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के आइकॉन हैं। उनको कहीं से भी लड़ाया जाए, सर्वप्रथम योग उनका वेशभूषा और मठ के मठाधीश, ये पर्याप्त है। कहीं से भी लड़ेंगे, बाबा योगी आदित्यनाथ ही कहलाएंगे। तो उसमें कोई संदेश देने की हमें आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास नारे को लेकर के काम करते हैं। हम लोग खाली खाली हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। गौरी शंकर जी, विकास को लेकर के, सुशासन को लेकर के, विकास को लेकर के, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अपने दो कार्यकालों की तुलना हमारे इससे नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है, आने दीजिए, तभी ये लोग दाएं बाएं हो रहे हैं। कभी विकास के एजेंडे पर ना अखिलेश आते हैं, ना मायावती आती है, ना राहुल प्रियंका कोई आता है। वो लोग इधर उधर की बातें जरूर करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ यहां से लड़ेंगे, टिकट इनको दे दी है, टिकट उनको दे दी है, कभी भी विकास और सुशासन के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी टच ही नहीं करते हैं। ये लोग जानते हैं जिस दिन विकास और सुशासन के एजेंडे पर लड़ाई हुई तो हम बाहर गिरेंगे जाके। ये लोग चाहे जितनी भी गौरी शंकर जी कलाबाजी कर लें, चाहे जितने भी इधर उधर का बयान दे लें, चुनाव जो विधानसभा का चुनाव सुशासन और विकास के एजेंडे पर ही होगा। अभी लोगों ने, मैं एक चर्चा करना चाहता हूं, सपा रालोद गठबंधन से एक नाहिद हसन को कैराना से टिकट दी गई है, जो एक गैंगस्टर है, स्थापित अपराधी है, जिसके ऊपर लगभग 23 मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से सपा रालोद से हाजी यूनुस को टिकट दी गई है, जो बुलंदशहर से टिकट दी गई है, जिन पर 23 गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं। इसी प्रकार से हापुड़ में चौधरी असलम को टिकट दी है, जिसमें 6 मुकदमे दर्ज है और 2019 में मारपीट और फ्रॉड तरीके के मुकदमे दर्ज है। तो ये लोग जिस तरीके के ये लोग चयन कर रहे हैं प्रत्याशियों का, वही अपने आप संदेह के घेरे में है। नहीं तो भारतीय फिर जनता पार्टी, मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं तो फिर